प्रेस गोड नसी आपकी इस्लामते हो मैं पास्टर इजाज़ली ख़ुदान का खादम मसीह की खिदमत में एक मुताफिर से एक नए पैगाम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ सो so, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि खुदाओं की दी हुई ज़िंदगी को मज़े से जीना लुत्फ उठा कर जीना इंजॉय करना ये जो आज का हमारा टॉपिक होगा सो so, मेरे साथ निकालिएगा इब्रानियों के नाम पौलूस रसुल का ख़त और उसका बारवा बाप और उसकी तीसरी आयत हम से हम पढ़ेंगे बस उस पर गौर करो जिसने अपने हक़ में बुराई करने वाले गुनागारों की इस कदर मुखालफत की बर्दाश्त की ताकि तुम बेदिल होकर हिम्मत ना हारो खुदा के ज़िंदा पाकलम कलम के पढ़े और सुने जान पर ख़ुदा की बरकत हो आमिन खुदा का शुक्र हो इस खत में बारवें बाप की जो तीसरी आयत में इस बात पर जोर देने की कोशिश की गई है कि हम बिल्कुल जो लोग हम पर तनकीद करते हैं हम उनकी बातों को बिल्कुल नज़रअंदाज करें बल्कि इसको ख़ुशी की बात समझें क्योंकि तनकीद भी हमेशा उन पर ही होती है जिनको खुदा ने प्रखती होती है हालिया कुछ ही आ, दिन हुए हैं मैंने एक वीडियो आ, जो है यूट्यूब पर मैंने देखी तो एक बहन थी जिसने एक वीडियो बनाई और उसने मेरे ख्याल से एक नदी में छलांग लगा दी और उसने अपने बारे में बताया कि वो बहुत ज़्यादा मायूस हो चुकी है ज़िंदगी से और वह अब दोबारा इंसानों की दुनिया में नहीं आना चाहती लेकिन बाइबल मुकदस हमें बताती है मेरे से खुदा ने इंसान को इस दुनिया में इसलिए भेजा है ताकि वो खुदा उनकी पस्तिश करें और याद रखें जब हम खुदा उनकी प्रस्तिश ही नहीं करते इसका मतलब कि हमारा उस पर ट्रस्ट नहीं है हम बिलीव नहीं रखते हैं हम उसकी दी हुई ज़िंदगी को मज़े से इंजॉय से जीना नहीं चाहते हैं और कैसे जियेंगे इसका सबसे बड़ा और आसान सा फार्मूला है कि ख़ुदा उनकी तारीफ़ उसकी शुक्रगुजारी करते रहे उन तमाम बातों के लिए जो उसने आपकी और मेरी हमारे सब की ज़िंदगी में की है तो वो ज़रूरी है अगर आप बेदिन हैं मायूस हैं तो इस आयत को ज़रूर पढ़ें कि ये सुल्म सी ने बिल्कुल जो गुनागार लोग थे जो खुदा पर जो तनकीद करते थे खुदा उन्होंने बिल्कुल उन बातों को बर्दाश्त किया ताकि हम बेदिल ना हो जाए और यह सुमसी ने फरमाया कि दुनिया में अगर तुम दुख उठाते हो तो बेदिल ना हो क्योंकि मैं दुनिया पर गा नहीं पाया आप यकीन रखें कि आपका भरोसा तो कल किस साल पर है ये सुमसी पर है सो आए क्या आज हम भी बेदली से बाहर निकल कर अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करेंगे अपनी ज़िंदगी को मज़े के साथ जियेंगे और ये तब ही मुमकिन है जब हम खुदा उनके साथ जुड़े रहेंगे सो आए हम अहद करें और ख़ुदा उनके साथ वफ़दार रहें हम दुआ करेंगे खुदा बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के इस पैगाम के लिए तूने हमारी जिंदगी में खुदा दिया और फजल बख्श दे ताकि हम तेरे कलाम की इन मीठी सच्ची बातों को खुदा इन पर अमल करने वाले बन जाएं और हमारा ईमान हमारा भरोसा हमेशा तेरी झा पर हो और अपनी लाइफ को जो तूने हमें दी है खुदा यसु हम तेरा शुक्र अदा करें इस ज़िंदगी के लिए जो ख़ुदम तो उन्होंने जीने के लिए दिया है ताकि हम तुम इस दुनिया में आकर भी तेरे जलाल को ज़ाहिर करें मैं उन तमाम लोगों के लिए दुआ करता हूँ जो खुदा इस दुनिया में आकर तेरे जलाल को ज़ाहिर नहीं करते बल्कि खुदा इस दुनिया में आकर बेदिल मायूस हो जाते हैं तेरी मिन्नत करता हूँ उनको भी खुदा फजल बख्शता के वो मायूसीियों से बेदिलियों से निकल कर ख़ुदा तेरी तरफ लौटे और तेरा जलाल ज़ाहिर करें अपनी लाइफ को इंजॉय करें और तेरा यसुनम जलाल इस तरफ यसुनासी के नाम से आमी जिसमें इसे कहना सिखाया अहमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए तेरी बादशाही आए तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो हमारे रोज़ की रोटी आज में बख्श दी जिस तरह हम अपने करदार को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर में माफ़ कर हमें आज़माइश में डाल बल्कि बुराई से बचा क्यों जो बादशाही कुदरत तो जलाल हमेशा ताकते रहें आमीन और अब मेरा ख़ुदा का फ़जल खुदा खुद आपकी मोहब्बत पाक और कर फाकत और आप से लेकर तमाम कलेसियाओं के साथ हो बन इसराइल के साथ हो कुल ईमानदारों के साथ हो हम सब के खानदानों के साथ उतरे आमे सो मैं मान रखता हूँ कि आपको जरूर इस कलाम के वसीला से बरकत मिली होगी और ज़रूर इस पैगाम को दूसरों तक शेयर कीजिए ताकि हो सकता है आपके शेयर करने से कोई इस पैगाम को सुने और अगर वो बेदिल है तो उसकी ज़िंदगी बच सके और मायूसी से बाहर निकल कर वो यस्ु मसीह के जलाल को जाहिर करे और अपनी लाइफ को इंजॉय करना शुरू कर दे मसीह के साथ जुड़कर खुदा अंदाफ़ साहब बड़ी बरक़ात